हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट एनएफटी। नाउ प्रिसाइजली हम लोग पहले क्या करेंगे कि एनएफटी का रिलेवेंस देखेंगे, उसके बाद एनएफटी है क्या उसको सही से समझेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एनएफटी कहाँ कहाँ पे यूज होता है और कौन कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पे एनएफटी को यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एनएफटी का रिलेवेंस समझने के लिए पहले हम अपना कंट्री से स्टार्ट करते हैं। ये जो मूवी अमिताभ बच्चन जी है, शहंशाह ऑफ बॉलीवुड, इन्होंने एक झुंड मूवी आया था, आपको पता ही होगा, ये रिसेंटली मूवी आया था। इन्होंने अमिताभ बच्चन जी ने ये जो झुंड मूवी का कुछ पिक्चर्स लेके इन्होंने एक एनएफटी क्रिएट किया था, और वो एनएफटी जो ये जो सुपरस्टार एक्सचेंज है ना, ये एक अमेरिकन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है यहाँ, जहाँ पे इन्होंने ये सेल कर दिया। और एक एक रिलेवेंट न्यूज आया है इसके रिगार्डिंग, वो है कि इन्होंने $130,000 का टैक्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे किया है। देखिए, इंडिया से और एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये है राजामौली सर। आपको पता होगा राजामौली सर एक बहुत ही अच्छा मूवी, मतलब ये हिट मूवी था, बाहुबली, इन्होंने इसको डायरेक्ट किया था। तो अभी इनका जो एक रिसेंट मूवी आया है ना, ये RRR बोल के, तो इन्होंने PVR के साथ मिलके एक NFT क्रिएट किया है। और अभी तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि ये मतलब सेल हुआ है कि नहीं हुआ, वो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने ये क्रिएट किया है ये मुझे पता है। और देखिए, जो NFT है ना, वो इसी तरह देखेगा। मान लीजिए पहले PVR होगा, उसके बाद ये RRR, और यहाँ पे जो सिग्नेचर है ना, वो आलिया भट्ट, जूनियर NTR, रामचरण, राजामौली सर, इन लोगों का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, और यही NFT इन लोगों ने प्लान किया है सेल करने के लिए। देखिए, आप थोड़ा वर्ल्ड की तरफ चलते हैं, स्पेशली इन वेस्ट। आपको पता होगा ये जैक डॉर्सी, ये ट्विटर का CEO है। इन्होंने ये जो अपना फर्स्ट ट्वीट था ना, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर, ये 2.9 मिलियन में सेल किया है। और एक चीज है कि आपको पता होगा कि USA में एक पेंटर है, ये बिपल है। बिपल इनका शॉर्ट नेम है, ठीक है, इनका फुल नेम कुछ अलग है, सब लोग इनको बिपल बोलते हैं। इन्होंने 60 मिलियन में अपना जो NFT है, एक्चुअली एक पेंटिंग था, इन्होंने बेचा है। NFT को लेके साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत ही क्रेज है। यहाँ पे देख लीजिए, एक 11 साल का लड़का, इन्होंने क्या किया, ये बाय प्रोफेशन ये एक प्रोग्रामर है, इसका नाम है मिगुल वांग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक क्रिप्टो टाइगर, ठीक है, ऐसा मीमे टाइप कुछ बना दिया, और ये भी इसको मतलब सेल करने का प्लान कर रहा है। देखिए, आपको पता होगा ये तो फेमस ही है, इन्होंने क्या किया कि अपना 1000 सेल्फी उठाया और उसको ऑलमोस्ट 1 मिलियन पे बेच दिया, जो इंडिया करेंसी में 7 करोड़ रुपीज है। अच्छा, हम लोग अभी तक रिलेवेंस देख लिया, अब हम इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं कि नॉन फंजेबल टोकन है क्या। डेफिनेशन को हम दो तरफ से तोड़ देंगे, ठीक है, एक है नॉन फंजेबल और एक है टोकन। नाउ आप देख लीजिए, नॉन फंजेबल इसका मीनिंग क्या है। देखिए, आप इस पिक्चर को देख लीजिए, यहाँ पे घड़ी का एक पिक्चर है, जहां पे घड़ी में क्या होता है कि आप जो टाइम एक बार चला गया वो वापस नहीं आएगा, वही है नॉन फंजेबल। सेकेंड, टोकन क्या है। टोकन देखिए एक एक्सचेंज करने का मीडियम होता है, और ये नॉन फंजेबल और टोकन का एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो हम लोग नीचे का जो स्लाइड से हम वहां पे देखेंगे। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं कि नॉन फंजेबल का मतलब क्या है। देखिए, नॉन फंजेबल का मतलब होता है, एक है नॉन रिप्लेसेबल, नॉन एक्सचेंजेबल। पहले नॉन रिप्लेसेबल देख लेते हैं, पहले रिप्लेसेबल का मतलब क्या है। देखिए, रिप्लेसेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज आप रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी खाना चाहिए, लेकिन खाने में मान लीजिए भात दाल नहीं है, कुछ बिरयानी है, तो आप बिरयानी से भी खा सकते हैं, वो खा के भी आपका पेट भर जाएगा, और भात दाल खाने से भी पेट भर जाएगा, लेकिन आपके पास भात दाल है नहीं, तो अभी क्या कर रहे हैं, आप बिरयानी को खा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिप्लेसेबल। नॉन रिप्लेसेबल क्या है, नॉन रिप्लेसेबल मान लीजिए आपको मतलब वो मेडिसिन, आपका मेडिकल इमरजेंसी में, आप सोच लीजिए मेडिकल इमरजेंसी में डॉक्टर ने आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब किया है, तो
तो आप वही आपको मेडिसिन लेना है, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, इसका मतलब होता है नॉन रिप्लेसेबल। सेम थिंग आप इधर आ जाइए, नॉन एक्सचेंजेबल। नॉन एक्सचेंजेबल का मतलब क्या होता है? देखिए एक्सचेंजेबल का मतलब पहले समझ लेते हैं। एक्सचेंजेबल का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास 2000 रुपीज है, उसको आप एक्सचेंज करना चाहते हैं 4-500 के नोट से, तो वो एक्सचेंज हो गया, ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए सिर्फ 2000 रुपीज है और उसको आप कुछ करके उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, मतलब 500 का जो नोट है ना वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जैसे डिमोनेटाइजेशन टाइम पे हुआ था ना कि मार्केट में पैसा अवेलेबल नहीं था, तो उसको बोलते हैं नॉन एक्सचेंजेबल। देखिए ये जो आपको याद होगा 2011 में 6 मारा था ना, हमारा जो वर्ल्ड कप था वो जीत गया था, तो ये इसका एग्जांपल है जो नॉन एक्सचेंजेबल है, एट द सेम टाइम नॉन रिप्लेसेबल। देखिए हम लोग अभी तक नॉन फंजेबल का मीनिंग समझ लिया, अब हम लोग टोकन का मतलब समझ लेते हैं। देखिए टोकन क्या है? आप टोकन समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आप जब आइनॉक्स और पीवीआर में मूवी देखने जाते हैं ना, वहां पे आप जाके एक टिकट लेके मूवी थिएटर के अंदर जाते हैं। ऐसे कि मत ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पैसा लेके जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप पैसा लेके जाते हैं, उसके बाद एक मूवी का टिकट खरीदते हैं, वो टिकट लेके आप जाते हैं मूवी थिएटर के अंदर, और उसी टाइम टाइम पे आप मान लीजिए जो एक आपको सीट एलोकेट किया जाता है ना, वो 2 घंटा हो या 3 घंटा हो, उस 2-3 घंटे के लिए उस सीट का ओनर आप ही है, तो यही होता है टोकन, ठीक है। और इन एनएफटी में क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट का जो ओनरशिप है वो डिजिटली सेव होता है रादर देन फिजिकल। और एनएफटी में देखिए डिजिटली सेव होने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, और ये सब जो यूसेज है, मान लीजिए ब्लॉकचेन का कैसे काम करता है, उसका क्या यूसेज है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, ये हम लोग कभी और बात करेंगे। देखिए अब थोड़ा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। पहले मैंने बोला था कि एनएफटी जो मूवी में वो बहुत यूजेज होता है, उसके बाद देखिए ये जितना मीमे पिक्चर बनाने के लिए यहाँ पे यूज होता है, म्यूजिक इंडस्ट्री में इसका यूसेज है। आप मान लीजिए ये जो फोटोग्राफी में इसका यूज है, आपको ये पता होगा ये डिजास्टर गर्ल इंटरनेट में है, ये तो बहुत ही फेमस है। उसके बाद देखिए आपका थोड़ा क्रिप्टो करेंसी में भी, वो जो डॉज कॉइन में शिबा आइनू ऐसा कॉइन बनाने में भी इसका यूसेज है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टूडे फ्रेंड्स, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, फाइनेंस, पॉलिटिक्स, एनी इंपॉर्टेंस ऑन सोशल इशूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।